नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी की। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार करण भूषण सिंह के काफिले की गाड़ी ने चार बच्चों को कुचल दिया, जिसमें से दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल दो बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करण भूषण सिंह इस सीट के मौजूदा संसद प्रत्याशी। आपको बता दें, करण भूषण सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार टिकट दिया था। वहीं करण भूषण सिंह इस सीट से मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे भी हैं। आरोप है कि घटना के बाद करण भूषण मौके पर नहीं रुके, लेकिन मौके पर फॉर्च्यूनर कार, जिस पर पुलिस स्कॉट लिखा हुआ है, वो कब्जे में ले ली गई है। दरअसल जिले के करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के करनैलगंज हुजूरपुर मार्ग पर बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे और कैसरगंज से बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह का काफिला हुजूरपुर की तरफ जा रहा था, तभी करनैलगंज में ये हादसा हो गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी प्रत्याशी को पुलिस स्क्वाड मिलती है, क्योंकि नियमों के अनुसार पुलिस स्क्वाड सिर्फ सांसद को ही मिल सकती है। ऐसे में सवाल ये है कि ये पुलिस स्क्वाड मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे के साथ आखिर क्या कर रही थी, जबकि मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह है और ये पुलिस स्क्वाड उनको मिली हुई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये भीषण हादसा देखने को सूचना मिली थी। हुजूरपुर रोड क्रॉसिंग के पास एक फॉर्च्यूनर और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल सवार रेहान और शहजाद नाम के दो व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच के दोनों को CHC करनलगंज में एडमिट कराया गया, जहां पे दोनों की मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा चुकी है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, उनको भेज दिया गया है। उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। फॉर्च्यूनर को अपने कब्जे में ले लिया गया है। फॉर्च्यूनर का ड्राइवर भी हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये भीषण हादसा जिसमें बीजेपी प्रत्याशी करण भूषण सिंह के काफिले ने चार बच्चों को रौंद दिया। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार करण भूषण सिंह के काफिले की गाड़ी ने चार बच्चों को कुचल दिया, जिसमें से दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दो अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए मोहम्मद आसिफ का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से ये पूरा मामला देखने को मिला, जिसमें करण भूषण सिंह जो कि बीजेपी के मौजूदा प्रत्याशी भी हैं लोकसभा चुनाव के लिए, ऐसे में करण भूषण सिंह का जो काफिला था उसकी एक गाड़ी ने चार बच्चों को कुचल दिया, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? जिस तरह से गोंडा में जो घटना हुई, सांसद प्रत्याशी करण भूषण सिंह, जो शरण सिंह जो बीजेपी सांसद है, उनके बेटे प्रत्याशी थे बीजेपी की तरफ से, और आज करण भूषण शरण सिंह का काफिला 10-12 गाड़ियों जिसमें शामिल थी, वह बहराइच की तरफ जा रहा था और करनैलगंज में अनियंत्रित और तेज रफ्तार जो फॉर्च्यूनर थी काफिले में, उसने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे दो सकेले भाई बिहार और सहजाद की मौत हो गई। एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई और एक अन्य बच्चा जो अभी घायल हो गया, बाइक सवार जो मृतक है वह दवा लेने जा रहे थे। घटना के बाद करण भूषण सिंह का काफिला मौके पर नहीं रुका और वहां से भाग निकले। मां की तहरीर पर लापरवाही और तेज रफ्तार और साथ ही साथ कई आरोप लगाते हुए रेहान की मां ने करनैलगंज थाने में FIR दर्ज कराने की तहरीर दी है। तहरीर पर अब मुकदमा दर्ज कर रही है, लेकिन जिस तरह से रिया या घटना हुई, लापरवाही भरी, क्योंकि अब यह भी कहा जा रहा है कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जिस तरह से बाहुबली और दबंग सांसद माने जाते हैं गोंडा में, और उनका बेटा, उनके बेटे को बीजेपी ने प्रत्याशी गोंडा से ही कैसरगंज सीट से बनाया था, तो कहीं ना कहीं सांसद प्रत्याशी करण भूषण शरण सिंह अब अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं।
मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से पूरा मामला देखने को मिलता है जिसमें जो काफिले की जो एक गाड़ी है वो चार लोगों को रौन देती है, दो बच्चों की वहां पर मौके पर ही मौत हो जाती है और दो जो है गंभीर रूप से अभी घायल है। मोहम्मद आसिफ, जितना गंभीर ये मामला, लेकिन सवाल जो है इस पूरे हादसे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले जो फॉर्च्यूनर गाड़ी जो क्षतिग्रस्त हुई है, जिससे ये पूरा हादसा होता है, उस फॉर्च्यूनर गाड़ी के पीछे पुलिस स्क्वाड लिखा है, क्या माने मोहम्मद आसिफ, आपसे यही जानना चाहेंगे, क्या किसी लोकसभा कैंडिडेट को, क्या किसी प्रत्याशी को पुलिस स्क्वाड मिलती है? बिल्कुल, जिस तरह से यह दुर्घटना हुई, भयंकर दुर्घटना हुई, जिसमें चचेरे भाइयों की मौत हो गई, दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, और सवाल सबसे बड़ा यह है कि सांसद प्रत्याशी ब्रिजभूषण के सांसद प्रत्याशी करण भूषण सरल सिंह को स्मारक क्यों दी गई, और कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने दुर्घटना को अंजाम दिया था, ठीक वही याद अब लखीमपुर वाली याद अब गोंडा में ताजा हो गई है। और बता दे क्रिया सरल भूषण सरल सिंह महंगे हथियारों और काफिले के शौकीन है, इस पर अभी चुनावी चुनाव के पहले सरल भूषण सरल सिंह पर FIR भी आचार संहिता उल्लंघन की दर्ज कराई गई थी, उनके काफिले में कई लग्जरी गाड़ियां थी और गोले तमाचे भी फोड़े गए थे। बावजूद इसके जिस तरह से करण भूषण सरल सिंह के काफिले में चल रही एक फॉर्च्यूनर से एक्सीडेंट होता है, इससे कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही भी सामने आई है और सवाल भी खड़े कर रहे हैं, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यह है कि सांसद प्रत्याशी जो BJP के प्रत्याशी है करण भूषण सरल सिंह, उनको पुलिस स्कॉट क्यों दी गई? पुलिस स्कॉट या तो किसी मंत्री को दी जाती है या फिर किसी ओहदेदार नेता को दी जाती है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से आपने कहा ये जो पुलिस स्क्वाड है ये मौजूदा सांसद को दी जाती है, क्या माने, क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह अभी कैसरगंज के मौजूदा सांसद है, पुलिस स्क्वाड ब्रिजभूषण शरण सिंह की थी? जी बिल्कुल भैया, जिस तरह से जो घटना हुई और साथ ही साथ पुलिस स्क्वाड मिलना है, अपने आप में बड़ा सवाल में खड़ा हो रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह पिता यानी कि सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह का दबदबा था गोंडा में, अगल बगल की सीटों पर दबदबा था, अब उसी नक्शे कदम पर दबदबा कायम रखने के लिए करण भूषण शरण भी उन्हीं की राह पर चल पड़े हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिसियल जिस तरह से लापरवाही सामने आई है, आखिर करण भूषण शरण सिंह को स्टार्ट क्यों मिली, इसका जवाब अभी तक बिल्कुल यानी सवाल जो है कई सारे बरकरार है। मोहम्मद आसिफ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हादसे के जो चश्मदीद हैं उनका क्या कुछ कहना है, किस तरह से पूरा हादसा हुआ, और ये जो पुलिस स्क्वाड है क्या ये वही गाड़ी होती है जो हमेशा काफिले के आगे रहती है? जी बिल्कुल दिया, प्रत्यक्षदर्शियों का साफ तौर पर कहना है कि करण भूषण शरण सिंह के काफिले में 10-12 लग्जरी गाड़ियां थी और उनकी ओवर स्पीड थी, और ओवर स्पीड के चलते ही यह दुर्घटना घटी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्घटना के बाद करण भूषण शरण सिंह गाड़ी से नहीं उतरे और वहां जो घायल थे तड़प रहे थे गंभीर रूप से घायल होने के चलते, उसका वीडियो भी सामने आया है कि किस तरह देखा जा सकता है कि दोनों चचेरे भाई रोड पर पड़े हैं, जो बाइक थी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। और अब यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से एक तरफ लापरवाही हुई, वही दूसरी तरफ करण भूषण शरण सिंह ने मानवता को भी शर्मसार कर दिया है, क्योंकि अगर प्रत्यक्षदर्शियों का यह कहना कि अगर समय रहते करण भूषण शरण सिंह के काफिले के वाहन में लाद कर अगर घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता हो सकता था कि दोनों की जान बच सकती थी, क्योंकि खून काफी बह चुका था, इस वजह से दोनों की मौत हुई है। मोहम्मद आसिफ, ऐसा ही भयावह मंजर जो है लखीमपुर खीरी में भी हमने देखा था, जब अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र टेनी, उनकी गाड़ी से कई सारे जो है किसान कुचले गए थे और 8 किसानों की मौत हो गई थी। ऐसा ही एक मंजर कैसरगंज में देखने को मिला है, जहां करण भूषण सिंह जो है उनके काफिले की एक गाड़ी से 4 युवकों को रौंद दिया जाता है, 2 की मौत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यही कि जिस तरह से जो चश्मदीद है वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि करण भूषण मौजूद थे काफिले के
अंदर, गाड़ियों के अंदर मौजूद थे करण भूषण। ऐसे में बाहर उतर के उन्होंने किसी की भी मदद नहीं करी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या FIR में करण भूषण सिंह का नाम है? जी बिल्कुल, जिस तरह से उसकी मां ने यह तहरीर दिया है कि करण भूषण सिंह के काफिले के में जो स्टार्ट थी वह लापरवाही भरी चलाई जा रही थी, ओवर स्पीड थी, इसके चलते यह हादसा हुआ जिसमें उसके बेटे और उसके चचेरे भाई की मौत हुई और दो अन्य लोग घायल हुए हैं। तहरीर में साफ बिल्कुल यानी लखीरी की तरह कैसरगंज से भी भयावह मंजर देखने को मिला है, जहां ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे और भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा जो प्रत्याशी है करण भूषण सिंह, उनकी गाड़ी के काफिले से एक बड़ा हादसा यहां पर देखने को मिलता है, जहां चार बच्चों को रौंद दिया जाता है जिनमें से दो की मौत हो गई। आप नजर बनाए रखें मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वही अब बात मौसम की कर लेते हैं। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता दें, गर्मी को लेकर उपराज्यपाल का बड़ा फैसला। यहां पर मजदूरों को काम से छुट्टी मिलेगी, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक मजदूरों के लिए छुट्टी रहेगी। छुट्टी के बदले उनका जो पैसा है, उनकी जो सैलरी है वो नहीं कटेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, गर्मी को देखते हुए, गर्मी के भीषण प्रकोप को देखते हुए उपराज्यपाल VK सक्सेना ने ये बड़ा फैसला लिया है मजदूरों के लिए। बड़ा फैसला, मजदूरों को काम से छुट्टी मिलेगी, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक मजदूरों को काम से छुट्टी मिलेगी और छुट्टी के बदले उनकी सैलरी नहीं कटेगी, उनकी तनख्वाह नहीं कटेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से चौतरफा गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, एक तरफ जहां बढ़ता हुआ तापमान, दूसरी तरफ लू के थपेड़े और तीसरी तरफ जिस तरह से पेयजल की समस्या देखने को मिल रही है, उसको देखते हुए गर्मी के इस चौतरफे अटैक से निपटने के लिए यहां पर बड़ा फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल ने लिया है। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने बड़ा फैसला लेते हुए मजदूरों को काम से छुट्टी देने की बात कही है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक मजदूरों के लिए काम से छुट्टी रहेगी, छुट्टी के बदले उनकी सैलरी नहीं कटेगी। वहीं राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। राजस्थान में आज लू से दो और लोगों की मौतें हो गई। भीषण गर्मी में अब तक 53 लोगों की जान चली गई है। प्रदेश के 20 जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट इस दौरान जारी है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में भी भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। राजस्थान में आज लू की वजह से दो और मौतें हो गई है। भीषण गर्मी से अब तक 53 लोगों की जान चली गई है। प्रदेश के 20 जिलों में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी ये वो 20 क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोगों को अपना खासा ख्याल रखना पड़ेगा। आपको बता दें, राजस्थान में आलम कुछ इस कदर है कि बीते दिनों एक क्षेत्र में 55 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान चला गया था। ऐसे में अपना काफी ज्यादा ध्यान रखने के लिए प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है लोगों से। इस दौरान गर्मी और लू की वजह से दो और मौतें आज हो गई है राजस्थान में। अब तक जो मौतों का आंकड़ा है वो 53 पहुंच चुका है, यानी 53 लोगों की गर्मी से जान चली गई है। मोहम्मद फारूक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद फारूक, जिस तरह से भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है और ये गर्मी अब इस कदर हो चुकी है कि ये लोगों की जान लेने का कारण भी बन रही है। जी बिल्कुल रिया, जो है गर्मी का इतना जबरदस्त सितम है कि लोग जो है बिल्कुल एकदम गर्मी से परेशान हो रहे हैं। एक तरीके से लोग जो है घर से नहीं निकल रहे हैं, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। इस समय हम जहाँ खड़े हुए हैं ये एकदम भीड़ वाला क्षेत्र है, यहाँ से लोगों का आवागमन अधिक रहता है, लेकिन यहाँ पे एक भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पर एकदम सन्नाटा छाया हुआ है पूरी तरीके से। ये कैंट मार्ग है और कैंट मार्ग जो है तमाम आवागमन रहता है और इस कैंट मार्ग पर पूरी तरीके से आज सन्नाटा है इस समय पे। और अभी भी मथुरा का टेम्परेचर 46 और 47 डिग्री के बीच चल रहा है। 46 डिग्री इस समय पीक एकदम है और 46 डिग्री जो है अभी यहाँ पर टेम्परेचर है और इतनी गर्म हवाएं चल रही हैं, यानी बिल्कुल एकदम आग की तरीके से आग के शोले बरस रहे हैं। जिस तरीके से शोले बरसते हैं आग के, उस तरीके से यानी धरती से भी आग बरस रही निकल रही है और आसमान से भी आग बरस रही है। इस तरीके से मौसम का आलम है। ऐसी गर्मी मथुरा में 60 साल से
नहीं देखी गई थी। बिल्कुल मोहम्मद फारूक, अब की बार ये जो गर्मी है इसने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड अब की बार तोड़ दिया है। ऐसे में जहां लोग जो है भीषण गर्मी से परेशान है, खासकर बात करूं दिन की, तो दिन के वक्त आलम यह है कि तापमान 47 से 48 डिग्री होना आम बात हो गई है। ऐसे में लोग अगर अपना बचाव करें तो आखिर कैसे? जी बिल्कुल, असल में लोगों को जो है डिहाइड्रेशन हो रहा है, लोग लू की चपेट में आ रहे हैं, हीट स्ट्रोक की चपेट में आ रहे हैं, लोगों को हीट स्ट्रोक की वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है उनको, और हार्ट के और शुगर के जो मरीज हैं उनके लिए तो बिल्कुल जो है घर से निकलने की एकदम मनाही कर दी है। जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करके कहा है कि घर से जो मरीज लोग हैं, बुजुर्ग ज्यादा हैं, वो घर से ना निकलें, यानी दिन में 12 बजे से लेकर और शाम को 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलें। इसको लेकर जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पर, जो वृंदावन में और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए, यहाँ भी सन्नाटा छाया हुआ है। बिल्कुल, यानी लोगों को यही सलाह दी जा रही है कि अगर आवश्यक ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, जरूरी हो तभी निकले और अपना काफी ज्यादा ख्याल रखे। मोहम्मद फारूक बने रहिएगा, आगे भी चर्चा करेंगे। अंबाला में किस तरह से स्थिति है, हरियाणा में किस तरह से गर्मी का प्रकोप है, वो जानने के लिए सीधे बीएस गुलियानी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हरियाणा अंबाला से जुड़े हुए हैं। गुलियानी, अगर बात करें गर्मी के प्रकोप की, जिस तरह से हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, ये जो पूरी बेल्ट है ये भीषण गर्मी के प्रकोप में है, भीषण गर्मी की चपेट में है। एक तरफ जहां गर्मी की वजह से तापमान काफी ज्यादा है, तो वहीं दूसरी तरफ लू भी लोगों की परेशानी बनी हुई है। जी बिल्कुल, अगर गर्मी की बात करें तो अंबाला और हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो अंबाला में जो आज का पारा है वो तकरीबन 45 डिग्री के आसपास है, और अगर हिसार सबसे ज्यादा गर्म है इस समय, वहाँ भी पारा 45 डिग्री के आसपास है। और इसके अलावा जो है बाजारों में जैसे 11 बजे के बाद ही काफी सुनसान हो जाते हैं बाजार, और लोग घरों से निकलने से भी परहेज कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि किसी भी तरह के जो बाहर खुले में तेज पदार्थ जो है वो बिक्री हो रही है उनकी, उनका सेवन ना किया जाए, क्योंकि इससे हैजा और जो दस्त की बीमारी है वो फैलने का खतरा रहता है। इतना ही नहीं, जो जो ओआरएस पाउचेज है वो काफी बूथ बनाए गए हैं, उन पर अवेलेबल करवाए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और उन्होंने सलाह दी है कि जो घर में बने वस्तु है वो चाहे छाछ है, स्पंजी है, पत्ती है, उसका ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, ताकि जो बाहर बिक रहे हैं पदार्थ उनका सेवन ना करें, ताकि स्वास्थ्य खराब आ सके। जी गुलियानी, जिस तरह से प्रशासन की तरफ से भी कई तरह की तैयारियां, कुछ कदम उठाए जाते हैं ताकि लोगों को खासा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, हालांकि दिन के वक्त जो टेम्परेचर है वो 47 से 48 डिग्री आम बात हो गया है आजकल, लेकिन नौतपा के जिस तरह से अभी कुछ और दिन बचे हैं और भीषण गर्मी का प्रकोप उतने दिन रहेगा, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके? जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से जो है वो जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात कर लें तो उन्होंने सभी पीएचसी सेंटर जो है उन पर जो है और कोचेज जो है वो अवेलेबल करवाए हैं। उसके साथ साथ जो प्रशासन है उनका कहना है कि उनके द्वारा जो जो एक ठंडे जल की जो छील होती है वो लगवाई गई है जगह जगह पर, और कई जगह चौक चौराहों पे पानी के कैंपर भी रखे गए हैं ताकि लोग जो है दूषित पानी का इस्तेमाल ना करें, कैंपरों से ही पानी प्रशासन की तरफ से कदम उठाए गए हैं। पेयजल को लेकर और आखिर बिजली कटौती को लेकर क्या स्थिति है वो भी आपसे जानेंगे, आऊंगी आपके पास, बने रहिएगा। एक बार मोहम्मद फारूक का रुख कर लेते हैं। मोहम्मद फारूक, जिस तरह से गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, लोगों की कई खबरें भी आ रही है कि लोगों की तबीयत भी गर्मी की वजह से खराब हो रही है, डिहाइड्रेशन का लोग शिकार हो जा रहे हैं, हीट स्ट्रोक हो रहा है, ऐसे में अगर बात मथुरा की करें क्योंकि पर्यटन का ये क्षेत्र है, कई सारे पर्यटक जो है मथुरा पहुंचते हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की किस तरह से तैयारियां? आपको तो यह बता दें कि यहाँ पर जो है नगर निगम ने एक सुविधा जरूर करी है कि जो स्प्रिंकल टैंकर होते हैं उनसे जो है सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है, और स्प्रिंकल टैंकर जो है कई सड़कों पर लगाए गए हैं, उससे छिड़काव हो रहा है, जिससे कि शाम के समय में यानी 4 से 5 बजे के बीच में ये छिड़काव होता है, उसके बाद जो है थोड़ी सी राहत जरूर महसूस होती है, लेकिन नीचे से जो गर्मी है वो और तेजी से बढ़ जाती है, ऊपर से एक राहत जरूर महसूस होती है। पेड़ों पर भी छिड़काव के लिए
नगर निगम ने तैयारी की हुई है, लेकिन अभी वो छिड़काव शुरू नहीं हुआ है। नगर आयुक्त का कहना है, शशांक चौधरी हैं, उन्होंने कहा है कि अभी पेड़ों पे भी छिड़काव किया जाएगा। यही नौतपा की गर्मी अगर 48 डिग्री टेम्परेचर चलेगा तो जरूर प्रशासन कुछ ना कुछ इसमें कार्रवाई करेगा। और जिला प्रशासन का साफ तौर पर कहना है, सीएमओ का कहना है कि कहीं भी बाहर जो है कोई भी चीज अगर आप लेते हैं तो बाहर की दूषित पदार्थ ना लें, खुली हुई चीजों का आप जो है सेवन ना करें, और अधिकतर जो है एनार्जाल है और जो इलेक्ट्रॉल पाउडर है उसका घर में जरूर सब लोग सेवन करें, और बाहर से अगर आते हैं तो एकदम एसी या कूलर के सामने ना बैठें, पहले थोड़ी सी हवा लें, पसीने को सुखाएं, तभी एसी और कूलर के सामने जाएं। साफ तौर पर सीएमओ का कहना है कि ये बिल्कुल डिहाइड्रेशन हो जाता है, और इस समय गर्मी का ये आलम है कि जिस फोन से हम अपना लाइव कर रहे हैं वो फोन भी हमारे 5 और 10 मिनट के अंदर हीट हो जाते हैं। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही, क्योंकि ये चीज, ये ऐसी डिफिकल्टी है जो हर कोई शायद फेस कर रहा है कि फोन भी जो है आजकल गर्मी का प्रकोप ऐसा है कि सिर्फ इंसान ही नहीं फोन भी जो है वो हीटअप हो जा रहा है। मोहम्मद फारूक, आऊंगी आपके पास, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे। एक बार कमल किशोर का रुख कर लेते हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, अगर बात राजधानी दिल्ली की करें, क्योंकि सेंटर है ही पूरे देश का, और ऐसे में सबसे ज्यादा भीषण गर्मी का प्रकोप भी राजस्थान के बाद अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो वो राजधानी दिल्ली है। किस तरह से स्थिति और किस तरह से मौसम की मार दिल्ली में? लेकिन भैया आपको बता दें कि गर्मी का जो माहौल है और जो गर्मी है इस समय बेतहाशा हो रखी है, लोग घर से बाहर निकलने को मजबूर नहीं है, लेकिन गर्मी जो इस समय का जो तापमान 42 से 43 डिग्री इस समय तक पहुंच गया है। आपको बताइए कि लोग अभी मेरे सहयोगी की बात करें तो मोबाइल पे आप सभी तरीके के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो इस गर्मी के अंदर काम करते हुए बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपके फोन की बात कर रहा हूँ, फोन भी कई बार हैंग हो जाता है, और इसी को लेकर अपने जो गर्मी को प्यास बुझाने के लोग पानी जो है लोग उसको बांट रहे हैं, कई गन्ने का रस वो पी रहे हैं, कई नींबू पानी का रस वो पीते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली के अंदर जो गर्मियां लगातार बढ़ रही है, आपको बता दें ये आईएमडी के द्वारा यहाँ पर दिल्ली के अंदर, दिल्ली के और जगहों के अंदर भी आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया, लोगों को घर से निकलने के लिए मना किया। जरूरी काम है सभी घर से निकले, वो भी पेयजल के साथ, पेयजल अपने साथ में, सब घर से बाहर निकले। बिल्कुल, क्योंकि कमल किशोर अगर बात की जाए डिहाइड्रेशन की वजह से कई सारे लोगों की तबीयत खराब हो जा रही है, गर्मी का प्रकोप कुछ इस तरह है जिस तरह से हम देखें राजस्थान में भी कई लोगों की मौतें हुई है। कमल, अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की, किस तरह से तैयारियां, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने पहली एडवाइजरी जारी कर दी थी कि उन्होंने यही बताया था कि घर से बाहर ना निकले, कोई जरूरी काम है सभी घर से बाहर निकले। और साथ ही कमल, दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना, उन्होंने भी यहाँ पर मजदूर जो हैं उनको एक बड़ी छूट दे दी है। 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक काम की उनकी छुट्टी रहेगी, जिसमें उनकी सैलरी नहीं कटेगी। इसको लेकर क्या जानकारी और कितनी बड़ी राहत है? हाँ बिल्कुल, देखिए मजदूरों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि मजदूर जिस तरीके से गर्मी के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम हो या बाहर रोड पे काम हो, रिक्शा चालक को मजबूरी में वो रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन मुझे सब मजदूरों के लिए प्रसन्न करने के दिन में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक अहम ही फैसला लिया है कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक मजदूरों को छुट्टी दी जाए। और साथ ही आपको बता दें कि इस छुट्टी का कोई मुआवजा भी नहीं कटेगा, यानी सैलरी नहीं कटेगी। ये बहुत बड़ी राहत यहाँ पर मजदूरों के लिए यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से। कमल बने रहिएगा, आऊंगी आपके पास। एक बार बीएस गुलियानी का रुख कर लेते हैं। गुलियानी, जिस तरह से हम बात ही कर रहे थे, एक तरफ गर्मी का प्रकोप, दूसरी तरफ लोगों की टेंशन तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब बिजली कटौती या फिर पेयजल में जो है समस्या रहती है। ऐसे में अंबाला की अगर बात करें, कैसी स्थिति? जी रिया, अगर मैं अंबाला की बात करूं तो अंबाला में जो है बिजली कट फिलहाल नहीं लग रहे बिल्कुल, अगर कहीं कट लगता भी है तो सिर्फ 15 या 20 मिनट से ज्यादा कट नहीं लगता। ये अंबाला वासियों के लिए काफी सुखद खबर है, क्योंकि गर्मी बहुत है, इसके चलते जो अंबाला के लोग हैं या आसपास क्षेत्र के लोग हैं वो बिजली कट ना लगने के कारण थोड़ी राहत महसूस जरूर कर रहे हैं। लेकिन जो है लू के कारण टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, क्योंकि 900 से 2 जून तक और लंबा चलेगा, तो इसके चलते जो है बिजली में फिलहाल ज्यादा सपोर्टिंग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, इसके चलते लोगों को काफी राहत महसूस हो रही। ठीक है,
मोहम्मद फारूक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बीएस गुलियानी आपका भी, और कुलदीप सैनी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।